आई एम हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 21 और 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो देखिए दोस्तों, 21 और 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं करतारपुर साहिब। तो दोस्तों, करतारपुर साहिब सिख धर्म से संबंधित गुरुद्वारा है, जो कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में है। और एक है डेरा ननका नानक, डेरा बाबा नानक, ये भारत में है दोस्तों। अब ये देखिए, ये पाकिस्तान और भारत के मध्य की लाइन जा रही है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, और रेड क्लिफ लाइन दोस्तों कब खींची गई थी ये दोस्तों, ये 17 अगस्त और 1947 को, 17 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों, एक तो डेरा बाबा नानक भारत में है, और करतारपुर साहिब कहां पर है, करतारपुर साहिब है दोस्तों पाकिस्तान में। तो ये दोनों धार्मिक स्थल है, और दोनों को लेकर के भारत सरकार और पाकिस्तान ने काफी हद तक ये किया है कि भाई पाकिस्तान के जो सिख हैं वो डेरा बाबा नानक पर आ सकते हैं, और भारत के सिख हैं जो करतारपुर साहिब पर जा सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको हम। 19 अप्रैल 2020 को आए तूफान के कारण करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की मरम्मत करवाई जाए, ये बात कही है भारत ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रावी नदी पर नारोवाल जिले में है। रावी नदी पर है और नारोवाल जिले में कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये पाकिस्तान में। बात करते हैं, रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से दोस्तों किसका उद्गम होता है, रावी नदी का। और ये आगे चल करके चेनाब में मिल जाती है दोस्तों, चेनाब में मिल जाती है। कहां पर, पाकिस्तान में, चेनाब में पाकिस्तान मिल जाती है। और वहां पर ये एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है झांग जिला, उसमें जाकर और उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के और फिर चेनाब में मिल जाती है। और यही झांग डिस्ट्रिक्ट में ही चेनाब नदी पर एक थीन बांध बना हुआ है दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर ये क्या, यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात तो अलग से ध्यान रखनी है, इससे रिलेट नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2004 से। इसकी शुरुआत 2004 में विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। प्रशिक्षित रैपिड रेस्पॉन्स टीम के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया देना होता है दोस्तों। इसका क्या उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कि जैसे कोई भी रोग है उसका शुरुआती चरण में पता लगाया जाए। तो इसलिए अभी भी कोविड-19 चल रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को अपनाने की सोची जा रही है IDSP की, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, शुरुआत मैंने ध्यान रखनी है आपको 2004 से हुई थी। किसने करी थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो अभी उसके अध्यक्ष डेविड मालपास है, इसमें CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर है दोस्तों अंशुला कांत। हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन DC। 1945 में गठन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 मुक्त राज्य,
कोविड-19 मुक्त राज्य दोस्तों दो राज्य हो गए हैं भारत में। एक तो गोवा पहला राज्य है जिसे ग्रीन जोन में शामिल किया गया और दूसरा मणिपुर है जिसे ग्रीन जोन में शामिल किया गया। दोस्तों होता क्या है, कोविड-19 को से संबंधित जो जिले होते हैं या राज्य होते हैं उनको तीन कैटेगरीज में शामिल किया जाता है। एक तो होता है हॉटस्पॉट वाले, एक होता है नॉन हॉटस्पॉट वाले और एक होते हैं ग्रीन जोन वाले। हॉटस्पॉट वालों को अति संवेदनशील बोला जाता है और नॉन को गैर संवेदनशील बोला जाता है और इनको ग्रीन जोन कहा जाता है। तो गोवा पहला राज्य बना था कोरोना मुक्त होने वाला यानी ग्रीन जोन में शामिल होने वाला और मणिपुर दूसरा हुआ है। गोवा की बात करते हैं दोस्तों, तो गोवा के सीएम कौन है, अभी हाल ही में प्रमोद कुमार सावंत हैं और इनसे पहले मनोहर पर्रिकर थे जो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे, जो उनकी उनका निधन हो चुका है। और दोस्तों गोवा के अभी राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो सत्यपाल मलिक हैं दोस्तों। गोवा के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक, और कैपिटल पणजी है और यहाँ की प्रसिद्ध नदी है जो दोस्तों एक तो जुआरी है एक मंडावी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं मणिपुर में क्या, और एक गोवा में सेरेंडिपिटी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, सेरेंडिपिटी। बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर दूसरा बना है ग्रीन जोन जो कोविड-19 से मुक्त हुआ है। मणिपुर की बात करते हैं तो कैपिटल दोस्तों मणिपुर की क्या है, इम्फाल है। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, एन वीरेन सिंह है और यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। यहाँ की प्रसिद्ध झील लोकटक झील है, यहाँ का प्रसिद्ध उद्यान राष्ट्र उद्यान है दोस्तों केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था इसलिए गोवा लिबरेशन दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है जबकि गोवा पूर्ण राज्य बना था दोस्तों 30 मई 1987 को, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है क्योंकि पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। और दोस्तों ये जो गोवा है जो 30 मई 1987 को फुली स्टेट बना था इसलिए 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो गोवा के बारे में, बाकी जुआरी नदी है इसके मुहाने पर मोरमू गोवा बंदरगाह बना हुआ है, मंडावी नदी है यहाँ की प्रसिद्ध, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम PICS पिक्स यानी पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, दोस्तों ये क्या होता है, आजकल पिक्स के यानी पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के रोगी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और ये काफी लंबे समय तक चलती है ये स्थिति है जो, और ये हो क्यों रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो कई दिनों तक जैसे आइसोलेशन में रहते हैं या फिर आईसीयू में रहते हैं, तो आईसीयू में रहने के बाद कृत्रिम ऑक्सीजन उनको मिलती है, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इस वजह से वो कौन से रोग से ग्रसित और हो जाते हैं दोस्तों, वो हो जाते हैं पिक्स से, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से, ठीक है। और व्यक्ति का बिल्कुल दुबला पतला हो जाना और मानसिक रूप से हास हो जाना उसका, वो क्या कहलाता है, सेप्सिस भी कहलाता है दोस्तों, सेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, तो दोस्तों क्या है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत के 38 तो मूर्त सांस्कृतिक धरोहर उसमें शामिल है, 38 की बात करते हैं हम, तो देखिए सबसे पहले तो दो को शामिल किया गया था,
सबसे पहले दो को शामिल किया गया था, वो एक तो आगरा का किला था और एक अजंता की गुफाएं थी, ठीक है। और लास्ट में जो 38वीं शामिल की गई वो गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर को शामिल किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 43वां जो सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का उसमें शामिल किया गया था जयपुर को, ठीक है। अब कुछ होती हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, तो देखिए अमूर्त कौन सी होती हैं, तो देखिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों पर अभी हाल ही में जो संस्कृत मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, उसने काफी बातचीत की है और भारत की अन्य भी साइट्स को उसमें शामिल करने का प्रावधान किया जा रहा है, मतलब भारत की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए अमूर्त में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एक तो वैदिक जप की परंपरा, जो वैदिक जप वैदिक काल से जो जाप किया जाता था उसकी परंपरा है, एक रामलीला है, एक कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, एक है राम मन, ये धार्मिक त्योहार है गढ़वाल उत्तराखंड का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं तो मुदियट्टू है, मुदियट्टू क्या है दोस्तों, केरल का एक नृत्य है। उसके बाद बात करते हैं तो कालबेलिया लोकगीत है, कालबेलिया लोकगीत राजस्थान का है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है कालबेलिया नृत्य भी यहीं का है, तो कालबेलिया लोकगीत को शामिल किया गया है। एक छऊ नृत्य को शामिल किया गया है, ये छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। एक लद्दाख का बौद्ध जप, जो बौद्धिक परंपराओं के अनुसार जो जप किया जाता है, इसको भी मतलब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को की में। एक मणिपुर का संकीर्तन है, एक पंजाब के ठटेरों द्वारा बनाए गए पीतल के बर्तन है, पंजाब के जो ठटेरे हैं उनके द्वारा बनाए गए पीतल के बर्तन। और दोस्तों योग की क्रिया को शामिल किया गया है, नवरोज को शामिल किया गया है और कुंभ के मेले को शामिल किया गया है। तो ये 13 टोटल अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी शामिल है किसमें, यूनेस्को की हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए अमूर्त वो होते हैं दोस्तों जो दिखाई नहीं देते, जिनको अनुभव किया जाता है, यानी जो ऐतिहासिक काल की जो जानकारी देते हैं, पिछले जीवन में हमें ले जाते हैं, वो अमूर्त में आते हैं दोस्तों। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी और इसके अध्यक्ष अभी हैं आंद्रे अजोले। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस कहाँ है दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल है दोस्तों, और फ्रांस के अभी राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 जल संकट, तो देखिए कोविड-19 के कारण जो जल की आपूर्ति है पेयजल की वो पूरी तरह से बाधित हुई पड़ी है, तो कोविड-19 एंड जल संकट की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए एक तो केंद्र और राज्यों का, केंद्र सरकार और राज्यों के उत्तरदायित्व को तीन सूचियों में शामिल किया गया है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों, 246। देखिए अनुच्छेद 246 के तहत राज्य एवं केंद्र के उत्तरदायित्वों को तीन सूचियों में शामिल किया गया है, जिसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची। तो दोस्तों राज्य सूची का विषय है जल, जल आपूर्ति ये करवाना, किसका विषय दोस्तों, राज्य सूची का। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, तो देखिए गोदावरी वैली एरिया, दोस्तों हुआ क्या है, जो गोदावरी नदी घाटी है उसमें जो जनजातियां रहती हैं, मेनली तीन प्रकार की जनजातियां रहती हैं, एक तो कोंडा रेडिस है, एक कोयस है और एक कोलम है, ये जनजातियां गोदावरी वैली में रहती हैं दोस्तों। उसके लिए एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है उनका कोविड-19 परीक्षण को लेकर, कि भाई इन लोगों का भी कोविड-19 परीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना लग रही है कि यहाँ पर
कुछ लोगों को कोरोना वायरस है, ठीक है, तो गोदावरी वैली आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक बार आप देख लीजिए, कोविड परीक्षण के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए इसी में पोलावरम सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में, दोस्तों आंध्र प्रदेश में पोलावरम, ध्यान रखना आपसे पूछा जाएगा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है गोदावरी नदी पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी घाटी में कोंडा रेडिस, कोयस और कोलम जनजातियां रहती हैं। एक तो कोंडा रेडिस, कोयस और कोलम जनजातियां रहती हैं। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पीवीटीजीएस यानी पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। पीवीटीजीएस की स्थापना हुई थी ढेबर आयोग की सिफारिश पर हुई थी दोस्तों, किसकी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की, ठीक है। अब आपको देखना है दोस्तों, इस जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में कौन से राज्य से कौन सी जनजातियों को बताया गया है, तो देखिए कुछ जनजातियां आप देख लीजिए। एक तो देखिए सेंटीन लीज और ग्रेट अंडमानी, ये तो हैं दोस्तों अंडमान निकोबार की, एक तो सेंटीन लीज और एक ग्रेट अंडमानी, ये कहाँ की है दोस्तों, अंडमान निकोबार की। उसके बाद बात करते हैं ब्रजिया, ब्रजिया दोस्तों झारखंड की है दोस्तों, ब्रजिया जनजाति कहाँ की, झारखंड की। बिरहोर कहाँ की है, छत्तीसगढ़ झारखंड की, बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ और झारखंड में रहती है। उसके बाद असुर जनजाति बिहार और झारखंड में रहती है दोस्तों, मैनकिडिया ओडिशा में रहती है, चोला नेकम केरल में रहती है, सावर बिहार में रहती है, राजी उत्तराखंड में रहती है, सौरिया पहाड़िया बिहार झारखंड में रहती है, कोरवा बिहार झारखंड में रहती है, और टोडा केरल में और कोटा तमिलनाडु में। ये सारी जनजातियां आपको यदि अच्छा कोई एग्जाम देना है तो एक बार आपको ये याद रखनी पड़ेगी। गोदावरी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए उद्गम होता है पश्चिम घाट महाराष्ट्र से होता है, और ये दोस्तों उसके बाद कई राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इनमें बहती हुई बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और तटीय या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और बात करते हैं तो ये दोस्तों दक्षिण की गंगा कहलाती है, मैंने आपको बता दिया। और इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा है, वर्धा है, पैन गंगा है, वैन गंगा है, प्राणहिता है, मंजरा है। एक बार और सुन लीजिए, देखिए पूर्णा है, वर्धा है, पैन गंगा, वैन गंगा, प्राणहिता और मंजरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कोई भी आपको बड़ा से बड़ा एग्जाम देना हो, यूपीएससी आरपीएससी सभी में काम आएगी, बाकी फैक्ट तो आपको हर जगह आएगा ही काम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नासा का कॉमर्शियल क्रू, नासा ने हाल ही में कॉमर्शियल क्रू लॉन्च किया है। नासा दोस्तों कहाँ की स्पेस एजेंसी, अमेरिका। बात करते हैं तो देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सख्ती, तो देखिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया दोस्तों, जो एफडीआई आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसमें जो भारतीय थल सीमा है उस थल सीमा को साझा करने वाले देशों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। यानी भारत सरकार को डर है कि कोविड-19 के कारण जो भारत की जो प्राइवेट फर्म है वो क्यों ज़्यादा कुछ पैसे की वजह से कभी मतलब इलीगल या गैर तरीके के मतलब अपने शेयर वगैरह को नहीं बेच रहे, क्योंकि अभी हाल ही में HDFC के 1.1% शेयर चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खरीदे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। इसलिए जो भारतीय थल सीमा को साझा करने वाले 7 देश हैं,
देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन देशों के साथ सख्त नियम बनाए, बाकी से सेम तरीके से एफडीआई चलता रहेगा। अंक टाड की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, अंक टाड की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि भाई भारत है जो एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में टॉप 10 में आ चुका है। तो देखिए इस मुद्दे को आप एक बार देख लीजिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सख्ती, थल सीमा साझा करने वाले देशों के लिए है ये कितने देश हैं दोस्तों? 7 हैं। अंक टाइड की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों क्या हुआ है कि कोविड-19 के कारण चाइना पर कुछ अलग तरह के एक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। इटली और यूरोपीय देशों ने तो चाइना के साथ कोई भी नई डील करने से बिल्कुल मना कर दिया है, इस वजह से भारत ने भी ये कदम उठाया है जो सराहनीय है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए बैंगलोर ब्लू किस्म, देखिए दोस्तों बैंगलोर ब्लू किस्म ये अंगूर की किस्म है दोस्तों, किसके? ग्रेप्स की। तो दोस्तों इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और ये कहाँ, ये 1999 में ये संस्थान बनी थी, भौगोलिक सांकेतक संस्थान, जीआई टैग इंस्टीट्यूट, ये बनी थी 1999। कार्य स्टार्ट किया था दोस्तों 15 सितंबर 2003 से, जीआई टैग देना स्टार्ट किया था। सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था दोस्तों दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, और अभी ये किसको दिया गया है? ब्लू किस्म है अंगूर की, बेंगलुरु की। ये देखिए बेंगलुरु में पाई जाती है, चिक बल्लापुरम पाई जाती है, कोलार में पाई जाती है, इन जगहों पर मेनली ये अंगूर पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसमें ये नीले रंग के अंगूर होते हैं, बिल्कुल नीले। ठीक है, अब दोस्तों 2019 में काफी को मतलब दिया गया था जीआई टैग, जैसे डिंडीगुल ताला है वो तमिलनाडु का था, एक दोस्तों तिरूर सुपारी है केरला की है, और बहुत सारे हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो दोस्तों बीकानेरी भुजिया को दिया जा चुका है, कोटा डोरिया को दिया जा चुका है दोस्तों, कोटा डोरिया साड़ी, ब्लू पोट्री को दिया जा चुका है, और पोकरण पोट्री है, अजरक प्रिंट, बगरू प्रिंट, ये सारे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता, तो देखिए ये शोध तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने किया है दोस्तों, इसमें गामा किरणों के रिफ्लेक्शन से संबंधित सारे बातें बताई गई हैं, तो आपको डायरेक्ट गामा किरण फ्लक्स परिवर्तनशीलता कौन से इंस्टीट्यूट ने मतलब खोजा है या इसके बारे में बात की गई है, सॉरी। तो ये शोध तारा भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने किया दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा मैटर आप पढ़ना चाहते हो तो आप खुद भी देख सकते हो, बाकी इतना काफी आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 के परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है, कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है, जिसमें एक तो नीति आयोग शामिल है, एक डीआरडीओ और एक आईसीएमआर, तीनों को देखिए। नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015, कार्य स्टार्ट किया 1 जुलाई 2017, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं दोस्तों। योजना आयोग के स्थान पर यह आया था, भूमिका है थिंक टैंक की, यानी सुझाव देने की मात्र। बात करते हैं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है दोस्तों, और इसकी स्थापना
1958 में हुई थी। इसका अध्यक्ष है अभी दोस्तों जी सतीश रेड्डी। आईसीएमआर की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल जो संस्थान होती है उनमें एपेक्स बॉडी है, यानी सबसे हाई मतलब सबसे ऊपर यही है। एपेक्स का मतलब होता है, बाकी सब पैतृक संस्थाएं होती हैं इसकी। और इसके 1911 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अभी अध्यक्ष हैं दोस्तों बलराम भार्गव, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में बढ़ता इस्लामिक फोबिया, आईओसी। आईओसी क्या है? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन, ठीक है, यानी इस्लामिक सहयोग संगठन, सहयोग संगठन। ये दोस्तों क्या है कि भाई इस्लामिक कंट्रीज है उनका एक समूह है। अभी 46वां आईओसी का जो सम्मेलन हुआ था वो अबू धाबी में हुआ था, यूएई की कैपिटल में, जहां भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान ने बायकट भी किया था, वो नहीं शामिल हुआ था कि भाई भारत को क्यों बुलाया जा रहा है। तो देखिए, भारत में बढ़ता इस्लामिक फोबिया पर चिंता जताई है कि भारत में इनका कहना है कि भारत में कोविड-19 के कारण काफी समस्याएं हो रही हैं मुस्लिमों को, ये सारी बात बताइए। एक अमेरिका की भी एक संस्थान है, यूएस रिलीजन करके है दोस्तों, यानी यूएस रिलीजन संस्थान जो काफी काम करते हैं दुनिया में धर्म को लेकर के, उसने भी थोड़ा कहा है कि भाई भारत है जो इन चीजों पर थोड़ा फोकस करें, भाई बैलेंस बना के चले अपने सर्कुलेशन को। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और 2019 में कौन शामिल हुई थी इसमें? विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, वो शामिल हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आयन मंडले इलेक्ट्रॉन घनत्व पूर्वानुमान का नवीन मॉडल, यानी जो आयन मंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसका नया मॉडल का विकास किया गया है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं तो देखिए, आपसे ये परतें पूछी जा सकती हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे नीचे वाली परत होती है दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, 10 किलोमीटर ऊंचाई। फिर होती है दोस्तों 10 से लेकर और 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो मैंने 2-4 दिन पहले भी आपको बताया था, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल 0 से 10 किलोमीटर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर, फिर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है दोस्तों मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर बोलते हैं, और 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है दोस्तों 80 से 400 किलोमीटर आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। तो आयन मंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व का एक नया मॉडल विकसित किया जा रहा है, और इसके ऊपर होता है दोस्तों एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड बैंक में रक्त की कमी, ब्लड बैंक भंडार में कमी आ गई है दोस्तों। तो क्या किया जा रहा है? अभी व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्तिगत जो डोनेट करते रहते हैं पर्सनली कंटिन्यू, जो लोग मतलब डोनेट करते रहते हैं रुधिर का, उनसे संपर्क स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और रक्त आदान परिषद का गठन हुआ था 1996 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए CSIR CFTRI के प्रोटीन युक्त बिस्किट कोविड-19 रोगियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या ऐसे बिस्कुट्स होते हैं जिनमें 14% प्रोटीन होती है, तो ये बिस्किट कोविड-19 के पेशेंट के लिए पहुंचाए जा रहे हैं, जिनसे उनकी मतलब इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सुधरेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 पर प्रश्नों का जवाब देने के लिए पंजाब सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है। जो कोविड-19 से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उनका जवाब देने के लिए
जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने फेसबुक के साथ चैट बोट विकसित किया है। दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पंजाब की बात करते हैं, वहां के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहां के जो गवर्नर है दोस्तों पंजाब के वो कौन है, बीएस बदनौर। और पंजाब की बात करते हैं तो वहां की कैपिटल चंडीगढ़ है दोस्तों, वहां का नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है, ये आपको पता होने चाहिए सारे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों फेसबुक, तो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा में क्वारंटाइन लागू करने के लिए कलेक्टर जैसे अधिकार सरपंचों को दिए गए। दोस्तों ओडिशा में क्या किया जा रहा है, एक नया इनोसेटिव लॉन्च किया गया है जिसमें ये बातें बताई गई हैं कि जो वहाँ के जैसे ग्रामीण क्षेत्र वगैरह हैं वहाँ तक कलेक्टर हर गांव में तो जा नहीं सकते और वो मतलब उन चीजों को पूरा देख भी नहीं पाते हैं गाँव में, तो क्वारंटाइन को लेकर जो लोगों को आइसोलेशन पर क्वारंटाइन किया जाता है उनके लिए गाँव वाले जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर सरपंचों को ही कलेक्टर के समान अधिकार दे दिए हैं। ओडिशा की बात करते हैं तो नवीन पटनायक जी वहां के सीएम है, गणेशी लाल वहां के गवर्नर हैं और कैपिटल भुवनेश्वर है। और दोस्तों बात करते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतर कणिका राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, एक जूलॉजिकल पार्क भी है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जिसमें ओपन स्टॉक पक्षी ओपन बिल स्टॉक पक्षी देखे गए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो देखिए यूएस कंपनी कॉग्निजेट पर मैज नाम के रैमसमवेयर का हमला हुआ है। दोस्तों ये रैमसमवेयर क्या होते हैं दोस्तों, मैंने पहले बताया था ये दुर्भावनापूर्ण बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं, इससे किसी भी कंपनी, मैंने COVID-19 को लेकर बताया था कि भाई COVID-19 के जो फाइल्स हैं जगह जगह के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मतलब इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा, इंक्रिप्ट करने के बाद उनके इलाज में जो भी पेशेंट है उनके इलाज में देरी हो जाएगी और इससे डेथ ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि रैमसम वेयर क्या होते हैं, दुर्भावनापूर्ण बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस एक रैमसम वेयर है मैज ने हमला कराया, यूएस कंपनी है कॉग्निजेट उस पर हमला कर दिया, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो ये क्या करते हैं भाई, कहीं पर तो इलाज में देरी, जैसे COVID-19 के लिए बताया तो इलाज में देरी हो जाती है, देरी होने से मौतें होती हैं, तो कोई टेररी जो टेरर फंडिंग होती है वहां से उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन ऐसे कंपनी वगैरह पर करते हैं तो कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैंग हो जाते हैं, तो फिर इनसे क्या ये फिरौती मांगते हैं कंपनी वालों से, पैसे मांगते हैं, पैसे मांगने के बाद फिर ये दोबारा चालू कर देते हैं, तो ये समस्या रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं नोबल विजेता वैज्ञानिक का दावा था कि COVID-19 वायरस वुहान लैब में मानव निर्मित था। दोस्तों ये संदेह पहले ही जताया जा रहा था कि COVID-19 जो वायरस है वो मतलब मानव निर्मित है और चाइना की वुहान लैब से बना है, न कि मतलब किसी जीव से उत्पन्न हुआ है। चाइना ने पेंगोलिन से बताया था, चमगादड़ से बताया था, कई बार वो बदल गया था चाइना, ठीक है। चाइना की बात करें तो भाई चाइना तो बिल्कुल भी मतलब मानव कल्याण की नहीं सोच सकता, लेकिन ये मानव इस जो नोबेल प्राइज विजेता थे ल्यूक मोंटेग्नियर फ्रांसीसी थे, इन्होंने थोड़ा सा उसकी जरूर अभी भी पक्ष सा ले लिया है, पक्ष तो क्या बिल्कुल क्लियर नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि भाई ये एड्स की वैक्सीन बना रहे थे जिससे ये समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन ये ऐसा नहीं था, इन्होंने भाई वुहान लैब से दावा बता दिया गया कि वुहान लैब से मानव निर्मित है ये जो कोरोना वायरस है, इसका वायरस का नाम तो क्या है, SARS-CoV-2 और बीमारी का नाम क्या है दोस्तों, COVID-19, ठीक है। वायरस का नाम पूछे तो SARS-CoV-2 है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के दुष्प्रभाव देखे गए ICMR, लेकिन दोस्तों ये COVID-19 पेशेंट जो थे उनके लिए नहीं, कुछ लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो गोली है
वो पहले ले ली कब, जब कोविड वगैरह कुछ नहीं हुआ उससे पहले ले ली, जिससे उनके सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, वोमिटिंग, ये ऐसे दुष्प्रभाव देखे गए। मतलब कोई बीमारी नहीं हो उससे पहले नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आईसीएमआर अभी भी इस पर परीक्षण वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने लिथियम की बहुतायत खोजी कहां से, इंटरस्टेलर स्पेस में। उन्होंने कहा है कि दोस्तों होता क्या है कि भाई एक देखिए, एक होता है सबसे पहले नेबुला होता है, नेबुला यानी गैस का गुबार होता है, उससे फिर क्या छोटा स्टार बनता है, फिर स्टार के बाद फिर मतलब रेड जियंट बनता है, रेड जियंट यानी लाल रंग का बिल्कुल एक तारा सा बन जाता है, उसके बाद दोस्तों फिर ब्लैक होल वगैरह का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारा लिथियम क्या होता है, उत्सर्जित होता है दोस्तों, ये बताया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है। तो इंटरस्पेस की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई लीग चैंपियन मोहन बागान को बना दिया गया दोस्तों, क्योंकि आई लीग को बीच में रद्द कर दिया गया, तो उन सर्वाधिक मोहन बागान ने मैच जीते तो इनको चैंपियन बना दिया गया, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है आपके। कोलकाता के खेल पत्रकार समीर गोस्वामी का निधन, कोलकाता के खेल पत्रकार थे समीर गोस्वामी, उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था 21 अप्रैल और 22 अप्रैल का जबरदस्त करंट अफेयर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर किया करो, जितने भी आपको आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके बड़े छोटे भाई बहन हैं, उन सब के साथ साझा किया करो, उनको आप बताया करो कि कितना जबरदस्त मैटर है। तो देखिए आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इंडियन और इंटरनेशनल जीके 70% कवर होगी, करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, छोटे मोटे एग्जाम राजस्थान पुलिस पटवार रेलवे वगैरह तो ऐसे निकल जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं अपन यूपीएससी आरपीएससी एसएससी बैंक वगैरह भी आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों।